क्लास 8 हिंदी मीडियम ध्यान देंगे। आज का अपना टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2, जिसके आपको मैंने 10 तक क्वेश्चन दिए थे। तो आज का है प्रश्न संख्या 11। आपको 11 में दे रखा है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। यानी कि दादाजी जो पिताजी से है, बाईचुंग के पिताजी से, वो 26 साल बड़े होंगे। अब आगे दे रखा है इसी तरह से, और उससे 29 साल बड़े हैं। 29 साल किससे बड़े हैं? बाईचुंग से। और तीनों की आयु का योग दिया हुआ है 135 वर्ष, तो उनकी अलग अलग आयु ज्ञात करनी है। यानी कि बाईचुंग के पिताजी, दादाजी और बाईचुंग की उम्र की आपको निकालनी है, तीनों की आयु निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले बाईचुंग की आयु, माना कि बाईचुंग की आयु को मान लेते हैं एक्स, बाईचुंग की वर्तमान आयु, एक्स वर्स है। अब बाईचुंग की वर्तमान आयु जो हमने मानी एक्स वर्स है, इसलिए पिताजी की आयु, पिताजी इससे कितने साल बड़े हैं आपको बोला है। तो बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यानी कि अगर इसकी एक्स है तो पिताजी की 29 वर्ष होगी, ज्यादा होगी, तो एक्स प्लस 29 वर्ष, ये तो हो गई किसकी? पिताजी की उम्र। अब दादाजी की उम्र या दादाजी की आयु, दादाजी पिताजी से 26 वर्ष बड़े होंगे, क्योंकि बोला है ना बाईचुंग के पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो यानी कि बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो 26 वर्ष छोटे हैं, तो अगर इसमें 26 प्लस कर लें तो दादाजी की आयु आ जाएगी। तो दादाजी की आयु होगी यहाँ पर x प्लस, दोनों को जोड़ देंगे, 9 6 15 1 और फिर 5, यानी कि x प्लस 55 ईयर होगी इसके दादाजी की एज, x प्लस 55 ईयर। अब तीनों की आयु का योग दिया हुआ है, आयु का योग 135 वर्ष दिया है। यानी कि तीनों की आयु को जोड़ेंगे, बाईचुंग की आयु प्लस पिताजी की आयु प्लस दादाजी की आयु, तीनों की आयु का योग है 135 वर्ष। तो 135 बराबर में लिखेंगे, तीनों को जोड़ने पर ही आएंगे। अब जैसा देख सकते हैं यहाँ पर एक्स कितने बार है, 1 2 और 3, तो 3 बार एक्स है, तो तीनों को जोड़ देंगे, 3x 1x 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 3x। ये भी दोनों प्लस के हैं, तो प्लस में ये संख्या आएगी दोनों, 9 और 5 14, 1 हासिल, फिर 2 1 3 और 5 8 84 बराबर 135। अब प्लस में जैसा देख सकते हैं 84 है, कहाँ जाएगा? माइनस में। तो 135 माइनस 84 करेंगे तो अपना आंसर होगा 1, 13 माइनस 8 करेंगे 5 बराबर 3x। अब x बराबर हो जाएगा 51/3, गुणे में है भाग में, 3 से इसको भाग कर लेंगे तो x का मान आएगा 17। x बराबर अपने पास आ गया 17। अब x का मान आ गया, तो ये x क्या है? बाईचुंग की वर्तमान आयु आएगी। उसके बाद अगर पिताजी की निकालनी है तो x के साथ में 29 प्लस करेंगे, और दादाजी की निकालनी है तो 55 प्लस करेंगे। तो लिखेंगे, इसलिए बाईचुंग की आयु जो कि x आई, यानी कि 17, तो 17 वर्ष तो होगी बाईचुंग की आयु, क्योंकि बाईचुंग की आयु को अपन ने क्या माना था? x वर्ष माना था, पिताजी की आयु निकालनी है। तो पिताजी की आयु निकालने के लिए जैसा देख सकते हैं यहाँ पर x प्लस 29 थी, तो x प्लस 29 कर लेंगे
एक्स है 17 प्लस 29 करेंगे तो अपना आंसर होगा 7 और 9 16, 1 हासिल, 3 और 1 4, यानी कि 46 वर्ष। इसी तरह से दादाजी की आयु। एक्स प्लस 55 थी, यानी कि अपने पास में दादाजी की आयु हो जाएगी एक्स प्लस 55, यानी एक्स की जगह हो जाएगा 17, एक्स का मान आ जाएगा प्लस 55 कर देंगे तो 7 5 12, 1 हासिल, 6 और 1 7, यानी 72 वर्ष होगी योगी दादाजी की आयु। तो इस तरह से तीनों की आयु निकालनी है आपको। अब है इसका अब ध्यान देंगे इसका प्रश्न संख्या 13, जो दे रखा है एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। इसको आपको प्रश्न संख्या 1 की तरह ही करना है, तो ये आप खुद करेंगे। मानेंगे सबसे पहले संख्या को x, फिर उसको गुणा करेंगे 5/2 से, तो जाएगा अपने पास जैसा देख सकते हैं, माना कि संख्या एक्स है। अब प्रश्न में जैसा दे रखा है संख्या को 5/2 से गुणा करना है, तो 5/2 से गुणा करने पर, 5/2 से अगर इसको गुणा करते हैं तो 5/2 गुणा एक्स तो होगा 5 गुणा x, 5x/2। अब आगे बोला है गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, अब 2/3 जोड़ने पर, 2/3 जोड़ देते हैं तो 5x/2 तो था, प्लस 2/3 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होता है, -7/12 प्राप्त होता है। तो यानी कि अपने पास होगा 5x/2 प्लस 2/3 बराबर -7/12, क्योंकि इसका बोला है आंसर क्या आ रहा है, -7/12 आ रहा है। तो ये आपको समीकरण इस तरह से बनाना है और आगे इसको सरल कर देना है। अब है इसका प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे इसका। जो आपको दे रखा है लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, मतलब कैशियर है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट है। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2, 3 और 5 का अनुपात है, उनका कुल मूल्य है 4 लाख रुपए। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट है वो बताना आपको। तो सबसे पहले 100 रुपए के देखो, जो भी जब मैंने बताया था अनुपात में यानी रेशियो में अगर दिया हुआ होता है कोई भी चीज, जैसे यहाँ पर नोट दिए हुए हैं रेशियो में 2:3:5, तो हमेशा एक्स मान के करते हैं। तो माना कि नोटों की संख्या एक्स में दी हुई, ये दी हुई आपको अनुपात में, तो माना कि नोटों की संख्या एक्स है, नोटों की संख्या को एक्स मान लेते हैं। अब इसलिए 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोट कितने होंगे। अब यहां आपको तीनों का अनुपात दे रखा है 2, 3 और 5, तो 2 तो है किसके लिए, 100 रुपए के नोट के लिए, तो इसका होगा 2x, x के साथ में लिख देंगे अनुपात। इसी प्रकार 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोट इसका अनुपात दिया हुआ है, देखो 2, 3 और 5 दिया हुआ था, तो यहाँ पर 3 तो इसका होगा, तो 3x, और वही 10 रुपए के नोटों की संख्या 5 होगा, 5x, क्योंकि अनुपात लास्ट में 5 दिया हुआ है। अब है
सीधी बात है, मैंने आपको बोला आपके पास 100 रुपए के 5 नोट है, तो कुल कितना आपके पास, कितनी राशि है, तो गुणा करोगे तो मतलब आपके पास 500 रुपए है। तो कुल जो राशि निकालनी है उसके लिए गुणा करते हैं, जो आपके पास जितने के नोट है उसको कुल नोट से गुणा करते हैं। तो यहाँ निकालेंगे 100 रुपए के नोट में, नोटों में कुल राशि कितनी है, जो 100 रुपए के नोट में जो कुल राशि होगी वो होगी 2x गुणा 100, यानी कि 200x रुपये। 200x रुपये, तो इसके पास कितने हैं, 100 100 रुपये में। इसी प्रकार 50 रुपए के नोटों में कुल राशि, 50 रुपए के नोट में कुल कितनी राशि है इसके पास, 50 रुपए के नोट है 3, तो 3x इंटू 50 की है, तो 50 इंटू गुणा करेंगे 50 से, तो कुल राशि आ जाएगी 50 रुपए में जितनी है इसके पास। तो 3 और 5 15, यानी 150 रुपये, यानी 150x रुपये ये होगी इसकी राशि। और वही 10 के नोटों में कुल राशि, 10 के नोट में कितना है, 5x, तो 5x गुणा 10 करेंगे, यानी 50x रुपीज में ये हो जाएगी। अब कुल इसके पास कितनी दी हुई है, तीनों को मिला के जो राशि दी हुई है वो बोला है कि रुपए में इनका कुल मूल्य दिया हुआ है 4 लाख। तो कुल राशि आपको इसमें दे रखी है 4 लाख रुपए, यानी कि तीनों को मिलाकर 50 100 रुपए की नोट मिलाकर, 50 रुपए की नोट मिलाकर और 10 रुपए की नोट की जो कुल राशि है तीनों को मिलाकर कितना है, 4 लाख है। तो आपके पास यहाँ समीकरण होगा 200x प्लस 150x प्लस 50x, सबको मिलाकर आपके पास राशि है 4 लाख रुपए। अब तीनों को सरल कर लेंगे, तो 200 प्लस 150 प्लस 50 करेंगे तो 400x बराबर हो जाएगा 4 लाख। अब x बराबर हो जाएगा 4 लाख बटा 400, 400 गुणे में x के साथ वो कहाँ जाएगा, भाग में, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 4 का भाग 4000 से देंगे जो होगा 1 बार 1000 बार जाएगा, तो यानी x का मान हो गया 1000। अब जैसे अपन को निकालना है x का मान, जैसे यहाँ आ जाएगा x बराबर 1000 आ गया। अब आपको करना क्या है, वही नोटों की संख्या निकालनी है, तो पहले सबसे पहले 100 रुपए की नोटों की संख्या, तो इसलिए 100 रुपए के नोट कितने होंगे, 100 रुपए के नोट 2x था, यानी कि 2 गुणा x की जगह 1000, तो 2000 नोट तो होंगे 100 रुपए के। इसी तरह से 50 रुपए के नोट जो थे 3x, तो यहाँ होगा 3 गुणा x की जगह 1000, तो 3 गुणा 1000 मतलब 3000 नोट तो इसके होंगे 50 के। और वही 10 रुपए के नोट जो था 5x, यानी कि 5 गुणा x की जगह 1000, 5000 नोट होंगे 10 के। इस तरह से इसके पास कुल राशि आएगी 15 और 16 प्रश्न जो है, 15 प्रश्न को एज इट इज 14 की तरह करना है और 16वां प्रश्न आप खुद करेंगे। तो आज का आपके टॉपिक है प्रश्नावली 2.2, आपको पूरी करनी है। थैंक यू।